मुल्क भर में तमाम अफराद अब किस्तों पर महंगे स्मार्टफोन खरीद सकते हैं क्योंकि निगरान हुकूमत ने महंगाई के इस दौर में आसान और महाना इकसात पर स्मार्टफोन्स देने का मंसूबा शुरू कर दिया है। ये स्मार्टफोन्स आम लोग कैसे किस्तों पर खरीद सकेंगे इसकी पॉलिसी का ऐलान भी किया गया है। आम लोगों तक स्मार्टफोन्स पहुंचाने के लिए ये अहम कदम निगरान वजीर आईटी टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने उठाया है, जिन्होंने इस सिलसिले में पीटीए के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी करने की हिदायत कर दी है, जो कि पाकिस्तान के निगरान वजीर बराए आईटी डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर हम कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर या फिर किस्तों पर मोबाइल फ़ोन की स्कीम ला रहे हैं, जिसके बाद महंगे मोबाइल फ़ोन जल्द ही किस्तों पर दस्तयाब होंगे। डॉक्टर उमर सैफ ने आला सतह के इजलास से खताब किया, जिसमें पीटीए सेलुलर ऑपरेटर्स और जीएसएम ने शिरकत की। वजीर आईटी का कहना था कि सेलुलर ऑपरेटर्स, सरमायाकार कंपनियां और बैंक्स किस्तों पर स्मार्टफोन्स के पैकेजेस का ऐलान करेंगे। अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। दूसरे जानेब अगर देखा जाए तो वजारत आईटी के ही एक तर्जुमान अली काजिम ने अपने हालिया बयान में किस्तों पर मोबाइल फोन्स दिए जाने के मामले पर वजाहत पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि वजारत का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसियां बनाना है। तर्जुमान ने कहा कि स्कीम से मोबाइल तो ज्यादा बन रहे होंगे, लेकिन फिर उसकी सप्लाई और डिमांड को बढ़ाने के लिए वजारत किस्तों पर मोबाइल देने के हवाले से पॉलिसी जारी करेगी। यहाँ पर उन्होंने वाजिया किया कि किस्तों पर मोबाइल वजारत टेलीकॉम नहीं बल्कि मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां और बैंक मुहैया करेंगे। इस्लामाबाद में निगरान वजीर इत्तला मुर्तजा सोलंगी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईटी के निगरान वजीर डॉक्टर उमर सैफ का कहना था कि पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग महंगे मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद पाते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सस्ते फ़ोन होते हैं, क्योंकि 80,000, 2 लाख या फिर 3 लाख तक का फ़ोन यकमुश्त खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने इसकी वजाहत भी की और कहा कि सबसे अहम बात ये थी कि अगर कोई किस्त अदा नहीं करता तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक तरीकाकार बनाया गया है कि अगर कोई किस्त अदा नहीं करता तो मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। नादहिंदगान के लिए उससे अगला कदम सिम और बाद में कौमी शनाख्ती कार्ड तक की ब्लॉकिंग हो सकता है। इसी हवाले से पॉलिसी बन चुकी है और तरीकेकार भी बना लिया गया है, जिसे सेल फोन फाइनेंसिंग कहा जाएगा। अब लोग आसानी के साथ किस्तों पर मोबाइल फोन भी खरीद सकेंगे और पाकिस्तान में हाई एंड मोबाइल फोन की मार्केट में भी इजाफा होगा। डॉक्टर उमर सैफ के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में मोबाइल फोन की 7वीं बड़ी मार्केट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 13 करोड़ मोबाइल फोन जेर इस्तेमाल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड से खुद को मुंसलिक करने, ई कॉमर्स के फरोग के लिए स्मार्टफोन्स फॉर ऑल की पॉलिसी बनाना जरूरी है।